assuming charge as Chief Election Commissioner of India. भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा, जबकि नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के साथ ही 15 जून को राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 29 जून तक चलेगी। नामांकन प्रक्रिया पूरे होने के अगले दिन जांच होगी, जिसके बाद नामांकन वापसी के लिए 2 से 3 दिन का वक्त मिलेगा। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और 25 जुलाई को देश को 16वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन सिर्फ दिल्ली में होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव की प्रक्रिया 24 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। नोटिफिकेशन वुड बी ऑन 15th जून, दैट इज वेडनेसडे। लास्ट डेट फॉर मेकिंग द नॉमिनेशन वुड बी 29th जून, दैट इज वेडनेसडे। डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन वुड बी 30th जून, दैट इज थर्सडे। Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. That happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21-7-2022. Well in advance, then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक नामित मेंबर्स यानी लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के असेंबली के सदस्य वोटिंग के पार्ट का हिस्सा नहीं है। वोट देने के लिए आयोग अपनी तरफ से पेन देगा, जो कि मतपत्र सौंपते वक्त दिया जाएगा। इसी पेन से ही वोट डाला जाएगा, अन्य किसी पेन से वोट डालने पर मत अवैध करा दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संसद और विधानसभा में होंगे। वोट देने के लिए 1, 2, 3 लिखकर अपनी पसंद बतानी होगी। पहली पसंद न बताने पर वोट खारिज हो जाएगा। चुनाव के दौरान कोरोना नियमों का पालन किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक राज्य के महासचिव चुनाव प्रभारी होंगे। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में कुल 4,809 मतदाता मतदान करेंगे और कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि हर 5 साल पर 25 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिलता है। ये सिलसिला 1977 से चलता आ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करने वाले निर्वाचन मंडल में राजनीतिक गठबंधनों की बात करें तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के पास 23% के करीब वोट है, तो वहीं एनडीए गठबंधन के पास लगभग 49% वोट है।